अलवेश यादव ने एमसी स्टैन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और फुकरा इंसान ने बिग बॉस शो को स्क्रिप्ट शो कह दिया। क्या? और क्या सच में अलवेश यादव और फुकरा इंसान के बीच में लड़ाई हो रही है? सबसे पहले अलवेश यादव ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। किसका? एमसी स्टैन का। और शाहरुख खान का तो एमसी स्टैन ने ब्रेक कर दिया था। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अलवेश यादव बिग बॉस ओटीटी में गए हुए थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बिग बॉस ओटीटी को जीत लिया है। इसी वजह से अलवेश यादव अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आए और उनकी फैन फॉलोइंग ने एमसी स्टैन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वही रिकॉर्ड जिसमें एमसी स्टैन की लाइव पे 5,30,000 बंदे लाइव देखते थे, लेकिन अलवेश यादव की लाइव पे 5,90,000 बंदे देख रहे थे। जरा उन्होंने क्या कहा उसको देखिए। ओए दोबारा चल पड़ा 5 लाख। ओए रुक जा, 5 लाख होने वाला। अच्छा कुछ नहीं बोलना, तब ज्यादा बढ़ते हैं। इशारा करते रहो। भाई से 1 मिलियन तो मुश्किल है। चलो मुझे पता नहीं 6 लाख तक तो जाएगा, बट मुझे जो भी लग रहा है। बट मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे को बहुत सारी बातें करनी है आप सभी लोगों से। भाई क्या कह रहे थे, रिकॉर्ड नहीं टूटेगा भाई? तोड़ दिया भाई, मेरी पब्लिक भाई कुछ भी तोड़। और दूसरी चीज, फुकरा इंसान ने बिग बॉस को स्क्रिप्टेड शो बता दिया या नहीं? तो बिग बॉस के बाद फुकरा इंसान भी लाइव आए थे और उन्होंने बिग बॉस को बिल्कुल रियलिस्टिक शो बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको अगर इनविटेशन आया तो आप 200 बार सोचना। देखिए जरा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ना जैसे बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, बिग बॉस 1% स्क्रिप्टेड नहीं है। बहुत ही ज़्यादा टफ शो है एंड मतलब 6-6, 8-8 घंटे वहाँ पर तुम्हारे को ब्लाइंड्स डाउन करके बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि टास्क की प्रिपरेशन हो। और मतलब हम जैसे लोगों की तो आदत है ना कि हमें हर मिनट में फ़ोन चाहिए, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, एक्चुअल कुछ भी नहीं है। फ़ोन तो तुम मतलब दूर की बात है, कोई फ़ोन नहीं है। सब तुम्हारे को वहाँ बैठना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से लड़ना पड़ेगा, लड़ने के बाद अगले दिन सुबह उठ के उन्हीं लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो मतलब ये एक जंगल है। जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, हम लड़ाई होती है तो हम लड़ाई करने के बाद फ़ोन पकड़ाते हैं, मतलब फ़ोन लेते हैं और उनको ब्लॉक कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है भाई, बिग बॉस के घर में ऐसा नहीं है, लड़ोगे और अगले दिन उन्हीं से बात करोगे। बट एक गलत फहमी है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस बार मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है तो इसी वजह से मैं बिग बॉस 17 में भी जाना चाहूंगा। देखिए जरा उन्होंने क्या कहा। That's a smile, जो बहुत कुछ बता रही है। जितना genuine, I swear to God, मैं बिग बॉस ओटीटी के दिन उल्टे गिन रहा था कि I wanted to come back, बट इतना प्यार देखने के बाद अगर जनता चाहेगी, क्योंकि I'm a people pleaser, मैं जनता के लिए बहुत चीजें करता हूँ और करना चाहता हूँ और बहुत चीजें कर सकता हूँ। तो यू नेवर नो, यू माइट सी मी देयर, यू माइट नॉट। भाई साहब इनका बकायदा दस्तखत हो चुके हैं बिग बॉस 17 के लिए, मैं बता दूं आपको, राइट? नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट यू नेवर नो, जनता पावर में। और तीसरी बात, क्या अलवेश यादव और फुकरा इंसान के बीच में सच में एक मैटर चल रहा है? तो इस चीज को इसलिए सच मान रहे हैं क्योंकि फुकरा इंसान बिग बॉस के बाद डेंगू मलेरिया का शिकार हो चुके थे, तो इसी वजह से वे हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब इनसे मिलने बहुत सारे लोग गए, जैसे कि मनीष रानी और उनके डैड और जिया और यहाँ तक बेबिका भी गई थी, बट अलवेश यादव नहीं गए, तो इसी वजह से इनकी लड़ाई साबित हो रही है। इसी बात पे अलवेश यादव ने एक मैसेज करके बताया है, देखिए जरा वो मैसेज क्या था। फैल रही है एक चीज नहीं बल्कि काफी चीजें फैल रही है कि एक तो एक दूसरे को नीचा, कहीं मेरी बुराई, कहीं अभिषेक की बुराई, क्या भाईचारा खत्म, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और कई लोग एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सब लोग हॉस्पिटल में मिलने गए, आप क्यों नहीं मिलने गए? भाई तुमने देखा होगा मैं इस चार दीवारी में बंद हूँ, अपनी मर्जी से तो मैं बंद रहूंगा नहीं, क्योंकि जहां से मैं आया हूँ वो वहां से बंद और यहाँ भी बंद, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस बिग बॉस वालों ने ही मुझे इधर रखा हुआ है और खास बोला हुआ है कि आप नहीं जा सकते। मेरे को कोई शौक नहीं है, मैंने अभी फोन पे उससे बात भी करी, उसने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया और उस मैं आज जाने वाला था क्योंकि आज मेरे को कई मीटिंग्स थी सिक्योरिटी के साथ, बहुत सारी चीज़ें मुझे आज करनी थी, बट उन्होंने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं कहा डायरेक्ट वहीं पे मिलूंगा मैं आके, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है तो उस चीज़ को प्लीज़ नेगेटिवली ना लिया जाए और किसी के प्रति कोई हेट ना फैलाई जाए। थैंक यू। अब की बार बिग बॉस 17 में सौरभ जोशी भी जाएंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है क्योंकि उन्होंने अपने चैनल पर एक क्वीन वीडियो में कहा है कि वे बिग बॉस 17 में जाएंगे और उनके पास अगर इनविटेशन आया तो। देखिए जरा उनकी पूरी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंह विद सौरभ की तरफ से, बिग बॉस में कब जाओगे? तो गाइज होपफुली हम नेक्स्ट टाइम बिग बॉस में जाएंगे।
अगर इनवाइट आएगा तो हमारे पास पक्का। बस सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही जरूर जाएंगे बिग बॉस में नेक्स्ट टाइम। और बिग बॉस ओटीटी में पूजा भट्ट के पास एक स्मार्टफोन था, ये फुकरा इंसान ने बताया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब।